40 बस कंडक्टर कोरोना पॉजिटिव, बदल सकती है टिकट काटने की व्यवस्था। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के कंडक्टर लगातार कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। इनकी संख्या 40 हो गई। अब कंडक्टर सवारियों के पास टिकट काटने से गुरेज करने लगे हैं। अब प्रबंधन सवारियों के टिकट काटने की व्यवस्था बदलने पर विचार कर रहा है। इसमें कंडक्टर पहली सीट पर बैठेगा, खिड़की से सवारियों के टिकट बनेंगे, उसके बाद ही यात्री बस में प्रवेश कर सफर कर सकेंगे। HRTC संयुक्त समन्वय समिति ने निगम प्रबंधन से ये व्यवस्था लागू करने की मांग की है। हिमाचल में 10 रुपए तक बढ़ गए सीमेंट के दाम। हिमाचल प्रदेश में कोरोना काल में महंगाई का एक और झटका लोगों को लगा। सीमेंट कंपनीज ने प्रदेश भर में सीमेंट के दामों में एकाएक बढ़ोतरी कर दी। ACC, अल्ट्राटेक व अंबुजा सीमेंट के दाम 10 रुपए प्रति बैग बढ़ा दिए गए। रविवार से दामों में बढ़ोतरी कर आम आदमी पर अतिरिक्त बोझ डाला गया। ऐसे में नए आशियाने बना रहे लोगों का बजट एकाएक बढ़ गया। सीमेंट विक्रेता सतपाल एंड कंपनी के संचालक सतपाल ने बताया कि ACC सीमेंट के दाम पहले 410 से 415 रुपए प्रति बैग थे, जो अब 420 से 425 रुपए प्रति बैग हो गए हैं। एक माह पहले भी निरीक्षण करने हिमाचल आई थी आरोपी शिक्षिका, पूछताछ में खुलासा। कॉलेज की अच्छी छवि दिखाने की एवज में रिश्वत के आरोप में पकड़ी गई शिक्षिका एक माह पहले भी हिमाचल प्रदेश आई थी। इस दौरान भी उसने कई शिक्षण संस्थाओं का निरीक्षण किया था। ये खुलासा रिमांड पर चल रही शिक्षिका ने विजिलेंस के समक्ष किया है। 26 जनवरी के बाद भी हिमाचल में स्कूल खुलने के आसार कम। हिमाचल प्रदेश में ग्रीष्मकालीन स्कूल्स के 26 जनवरी के बाद भी खुलने के आसार कम हैं। कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने पर शिक्षा विभाग छुट्टियां बढ़ाने का प्रस्ताव बनाने में जुट गया। 26 जनवरी के बाद 2 सप्ताह और शिक्षण संस्थान बंद करने की तैयारी है। इसी सप्ताह के अंत तक इस बाबत फैसला होने की संभावना है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने 2 विकल्पों का प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेजा। 26 जनवरी के बाद पहले विकल्प के तहत सभी ग्रीष्मकालीन स्कूल्स को 6 फरवरी तक बंद रखने की सिफारिश की गई। दूसरे विकल्प के तहत 27 जनवरी से 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को स्कूल्स में नियमित कक्षाओं के लिए बुलाने का प्रस्ताव है। 1ली से 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों की ऑनलाइन कक्षाएं लगाने का विकल्प दिया गया है। अब आने वाले दिनों में स्वास्थ्य विभाग से चर्चा करने के बाद राज्य आपदा प्रबंधन इस संदर्भ में फैसला लेगा। शीतकालीन स्कूल्स में अभी सर्दियों की छुट्टियां दी गई हैं। उधर कॉलेजेस में भी 5 फरवरी तक छुट्टियां दी गई हैं। ऐसे में ग्रीष्मकालीन स्कूल्स को भी अभी बंद रखने का फैसला लिया गया है।